केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना पहुंचे, जहां बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद शाह लखीसराय के लिए निकल गए, जहां उन्होंने अशोक धाम में पूजा अर्चना की। लखीसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार हमेशा बदलाव और क्रांति की धरती रही है। इस दौरान नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा, नीतीश कुमार की राजनीति की शुरुआत लालू के विरोध से हुई और लालू के चारा घोटाले का विरोध करके वो मुख्यमंत्री बने। बाबू, आपकी तो राजनीतिक पैदाइश ही भ्रष्टाचार का और लालू का विरोध कर शुरू हुई। आपके राजनीति की शुरुआत इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार की खिलाफत से हुई और आप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले का विरोध कर बन गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, किस मुंह से आप कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर मुंगेर और लखीसराय की जनता के सामने आएंगे? आपको जवाब देना है। लखीसराय पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस 20 साल से राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहती है, लेकिन वो लॉन्च ही नहीं हो पाते। बिहार के पटना में कांग्रेस ने फिर राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो लॉन्च नहीं हो पाए। साथ ही उन्होंने कहा, बिहार के लोग भ्रष्टाचार का साथ कभी नहीं देंगे। एक कांग्रेस पार्टी भी अजीब प्रकार की पार्टी, राजनीति में कोई भी नेता को पहली बार लॉन्च किया जाता है। हम तो ऐसी पार्टी से आते हैं जहां नेता का लॉन्चिंग नहीं होता, जनता ही नेता को लॉन्च कर देती है। मगर कांग्रेस हर साल 20 साल से, कितने साल से जरा जोर से बोलो, 20 साल से, कितने साल से, 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही है, मगर ये लॉन्च ही नहीं होते। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। लखीसराय रैली में अमित शाह के विपक्षी एकता पर हमले के बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने पलटवार किया। शक्ति यादव ने कहा, दो लोग जो गुजरात से आए हैं, जिन्होंने देश को कंगाल कर दिया और बिहार के बारे में एक भी बात नहीं की। साफ साफ दिख रहा है कि बिहार के प्रति सौतेलेपन का भाव है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानी मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि के मौके पर राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मुंगेरी लाल बिहार के एक धाकड़ नेता और राजनीतिज्ञ थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुंगेर लोकसभा ललन सिंह का नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ है और ललन सिंह की जीत इसलिए हुई थी क्योंकि वहां बीजेपी ने उनका समर्थन किया था। सहरसा दौरे पर पहुंचे पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव को नसीहत देते हुए कहा कि अहंकार छोड़कर वो पार्टी में नए लोगों को जगह दें। नीतीश और लालू से पप्पू यादव ने आग्रह किया कि इनके यहां जितने भी पुराने एमपी एमएलए हैं उनको बदल दें और अच्छे और मजबूत लोगों को चुनाव में लाएं, जिनको दुनिया पसंद करती हो। पूरे देश में आज धूमधाम से बकरीद मनाया गया। बकरीद को लेकर पटना सिटी के कई ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज अदा करके अपने परिवार की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने बकरीद की मुबारकबाद दी। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड पर खड़ी बसों में भीषण आग लग गई। इस दौरान बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया। बस स्टैंड पर खड़ी कुल 8 बसों में आग लग गई, जिससे सभी 8 बस जलकर राख हो गई।